अस्सलाम वालेकुम यार, ये वही पहाड़ी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। देख लो कितनी बड़ी है, ऊपर है देखो, और यहाँ बच्चे भी खड़े हुए हैं, आपको शायद कैमरे में दिख जाए। देख रहे हो ये बच्चे हैं जो शायद ऊपर से अभी होके आए, नीचे अभी सेल्फियाँ ले रहे हैं, ठीक है। और ये पहाड़ी देखो कितनी आगे जाती है, देखो ये तकरीबन, और आप देखो घर भी बने हुए पहाड़ी पे, देखो शायद आपको दिख जाए, ये घर बने हुए पहाड़ी पे, ठीक है। और एक आगे भी पहाड़ी है, ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी पहाड़ी है, और ये पहाड़ी बहुत ही आगे जा रही है इस तरफ, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी पहाड़ी है। और ये पिछली बारिशों में यहाँ पे पत्थर गिरा था, तो अभी शायद यहाँ पे घर बन गया हो, उस घर के ऊपर गिरा था, तो अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ था, नुकसान अल्लाह की रहमत से बच गया था सब कुछ। तो देखो ये पूरा व्यू देखो, जहाँ पे मैं अभी हूँ अपने घर पे हूँ, तो देखो आज गर्मी भी बहुत है, ईद का तीसरा दिन है, देख लो ऑल टू ऑल पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको मिलाता हूँ मैं अपने बड़े भाई के बेटे से, देखो जी मेरे बड़े भाई का बेटा है, अस्सलाम वालेकुम। देखो ये हंसता ही है बस, बेटा क्या कर रहे हो? हाँ गर्मी में खड़ा हुआ चाचू के पास आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हैदराबाद की वीडियो दिखाऊंगा मटियारी की, शायद वो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपको और वीडियो अच्छी मज़ीद दिखाऊंगा, तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लाजमी करें, ताकि आपका भाई जल्द से जल्द आपकी दुआओं से वायरल हो जाए। ओके अल्लाह हाफिज़।